देखा जा रहा है लोकसभा चुनाव लगा हुआ है, प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। आपके जो पुराने सांसद थे इस बार फिर चुनावी मैदान पे आए हुए हैं, अब इस बार आप किस पार्टी को जो है लाना चाहते हैं, किसे मतदान करना चाहते हैं? बीजेपी। खुलकर ऐसा क्या काम किया बीजेपी? अच्छा काम किया। कांग्रेस भी है, गठबंधन की सरकार है, क्या डुबाना चाहते हैं? कांग्रेस कितने साल रही, कितनी पंचवर्षीय कांग्रेस रही, क्या विकास हुआ है हमारे देश? वही इतना अभी कर्ज में है, वही आता रहा हमेशा कर्ज में है, कर्ज में। अब देखो कितना परसेंट कर्ज माफ हुआ हो गया। इससे अच्छा क्या चाहिए हमें? हमें तो अपना भविष्य देखना है ना, जो सरकार अच्छी है उसी को वोट देंगे। अच्छा महंगाई पर क्या कहेंगे आप? महंगाई तो देखो उस जमाने में थी, जैसे अगर पहले 5,000 मिलता था, अब 10,000 मिलता है, तो वह तो बराबर है ना, महंगाई वही हिसाब चल रही है। लोग कहते हैं बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, तो ये सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। फिर से वही सरकार, वही सरकार चाहिए हमें। नहीं बाबा जी कहाँ मिलेंगे, बाबा जी वाला मतदान ही नहीं है। आएगा आएगा, वही आएंगे, गारंटी है, हम कह रहे हैं आएंगे, बाबा जी ही आएंगे। कौन बाबा? योगी बाबा ही आएंगे। अरे तो योगी वाला मतदान ही नहीं हो रहा है? अरे आएंगे, मोदी वाला हो रहा है। अरे तो मोदी आएंगे तो योगी भी आएंगे, मोदी रहेंगे तब तो योगी बाबा आएंगे ना, मोदी जी रहेंगे तभी योगी बाबा आएंगे। यानी कि आप लोग जो है खुल करके बता रहे हैं कि आप जो है मतदान उसी सरकार को करेंगे जो वर्तमान में है। सरकार है, हम उसी को बनाएंगे। क्या काम किया सरकार ने, क्या काम अखिलेश ने क्या किया? अखिलेश ने बांटा था आलू घी राशन लाल कार्ड वालों का, तो मोदी जी तो सबको बेचारे खिला रहे हैं ना, सब कोई खा रहा है, जनता तो यही देखी। और कांग्रेस से कुछ नहीं किया, गुंडा सरकार। चलिए अम्मा, अब फिर से जो चुनाव हो रहा है, कौन सी सरकार बनाएंगे? योगी का बनाएगा, मोदी का बनाएगा, क्या का बनाएगा? हाँ का किया योगी मोदी ने, सबका फ्री खराब रहा हो, सबका राशन। हाँ इतना जो अखिलेश ने नहीं किया वो मोदी जी ने कर दिया, मंदिर बनवा दिया रामलला का, और क्या कहीं चाहिए भाई, इंसान को चाहिए क्या भगवान? लोग कह रहे हैं कि मंदिर न बनवा के अस्पताल बनवाने चाहिए। अस्पताल भी बनवाएंगे अगर इस बार सरकार बनेगी तो, अस्पताल का मांग करेंगे। कैसा क्या कह रहे हैं? हमारे पास में मऊर अस्पताल में है, बढ़िया सुविधा है, डिलीवरी की, जहाँ कानपुर से मरीज मऊर अस्पताल में आते हैं वापस, इतना अच्छा नर्स थी। अब इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? कौन थी नर्स? कल्पना थी, अब इस समय वो रिटायर हो चुकी हैं। हाँ उम्र हो गई, वो रिटायर हो गए, अब उनकी जगह देखा मैम है, अच्छा काम करती हैं, अच्छा काम करती हैं, बहुत अच्छा करती हैं। हाँ इधर आसपास के मरीज आ रहे हैं हमारे यहाँ, अब इससे ज्यादा हमें क्या चाहिए? आए दिन जिला अस्पताल में जो है ऐसी खबरें आती रहती हैं, जिला अस्पताल से वीडियो वायरल होते रहते हैं, पैसों को लेन देन को लेकर के। कोई पैसा नहीं दिया जाता इधर, कोई पैसा नहीं लगता इधर, हम अपने आगे बता रहे हैं मगर की कोई पैसा नहीं लिया जाता, बस जिसका खुशी है। अब हम खुशी हो गए तो उसमें हमें क्या है? अब हमारे लड़के नहीं हुए 5 साल, हम खुशी है, कुछ भी कर सकते हैं, हम सबको गांव भरे में पैसा बांट सकते हैं, तो वो अपना बात है, ऐसा होता है। लगातार जो है ये कहा जाता है कि जो भी हमीरपुर जिला अस्पताल में जाते हैं तो वहां से रेफर कर दिया जाता कानपुर के लिए, वो कैसा कैसा? घूस लेने वाले की कमी नहीं है, घूस देने वाले की कमी है, क्योंकि हम ही लोग बिगाड़ते हैं घूस लेने वालों को, बात सही है कि नहीं? हम बोलेंगे भाई साहब सर हमारा ये काम करा दो, हमसे 10,000 ले लेना, उसमें उनकी क्या गलती है? गलती हमारी है ना, वो लेने के लिए बैठे। हाँ हम जितना देंगे उतना वो लेंगे। चलिए कहीं कहीं ना कहीं जो है इनकी बात भी सही है कि वो लोग तो बैठे ही हैं, और अगर हम लोग देंगे नहीं तो वो लोग लेंगे नहीं, और अगर इस चीज का विरोध सभी को करना चाहिए। अच्छा विरोध करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, अगर वो अपने मुंह से मांग रहे हैं कि हमें इतना चाहिए तो हमें विरोध करना चाहिए, उसके लिए सरकार बैठी है। जब सरकार का कहना है किसी का घूस मत दो तो हम लोग क्यों बिगाड़ रहे हैं भाई? अधिकारी अधिकांश ये मामले आते रहते हैं कि डिलीवरी के दौरान नर्सें पैसा मांगती हैं और नहीं दिया जाता तो रेफर कर दे। नहीं मांगती है, हमारे साथ नहीं ऐसा। आपके यहाँ गाँव में नहीं? हमारे यहाँ भरुआ में होता है। भरुआ में हो या ना, हम भरुआ गए ही नहीं तो हमें पता नहीं है। देखो
ऐसे कैसे किसी को दोष लगा दे। चलिए ठीक है, ये तो हमेशा से जो हम भी सुनते चले आए हैं कि जो मौहर अस्पताल में जो भी नर्सें थी तो अच्छा जो है यहाँ पर रिजल्ट आ रहा था, काम भी अच्छा हो रहा था और पैसे की भी डिमांड नहीं हो रही थी, ऐसा हमें भी जानकारी हुई थी। लेकिन हम लोग बात करेंगे आज जो है लोकसभा चुनाव को लेकर के, दादी किसकी सरकार बना रहे हैं? ये किसब को ही कहती मोगी, मोदी की बनी होगी, मोदी सबका सच्चाई है, वही दे रहे हैं सबका, खवा पिया रहे हैं कांग्रेस को, खवा हुए इतना दिन बाद कहाँ कहाँ मिलता है राशन? राशन में जुंडी बाजरा गेहूं चावल चार चीज मिल रहे हैं। तो जुंडी बाजरा की का रोटी बनाती है? हाँ रोटी बनाऊ बे कर बे गोरू खाई है, हम कनिक लागी जितना हम खाई बे अज्ञा का नीक लागी जाऊं चीज तो सबको इस्तेमाल। तो 5 किलो मिलता है, 5 किलो महीने भर के लिए हो जाता? नहीं 5 किलो जैसे ज्यादा बड़ा परिवार जे के तू कैसे बना लाई सबका खा लाई वनपुर पर 5 किलो में। अच्छा गांव के लोगों की सबसे बड़ी जो है आवश्यकता किस चीज की है? अब आवश्यकता का बताऊ, जितनी आवश्यकता कर दिया तुम उतनी हुई सकी, तुम कर यते हुई गांव ना कर पा रही ऐसे यार। कैसा? अरे कुछ कॉलोनी लगे नहीं दी नहीं गई हमका कम कॉलोनी आई। तो आपके पास पैसा होगा, आपके पास खेत होगा इसलिए नहीं ना? हमरे कुछ खेत बात नहीं, अंते के रहा हुआ या नहीं लोगन से सबसे पूछ ले। हाँ कॉलोनी नहीं मिली? हाँ मैं कब कॉलोनी अलोनी नहीं। आपने प्रधान जी से नहीं कहा होगा? हाँ हाँ प्रधान जी विद्यार्थी थे भरत, ऐसा कुछ सुना ही नहीं है हमारे। फॉर्म भर दिया सुनवाई नहीं? हाँ नहीं भाई। फिर भी आप कह रहे हैं यहाँ सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ कहे कर दे सरकार अच्छा काम कर रही, प्रधान जी अच्छा नहीं कर रही? नहीं तो प्रधान जी अब दूसर बदली हुई गए। अरे प्रधान जी मुंह देखी कर रहे हैं भाई, मुंह देखी कर रहे हैं, मुंह देखी क्या कर रहे हैं। यहाँ पर जो लाभ मिलना चाहिए सरकार से वो लाभ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, हमारे नाला माझा नाला पानी नहीं आ रहा है, बहुत है नाला काकन चौमा से महते हिल के जाती है, नहीं कोई सुनाई कर रहा हो प्रधान। योगी मोदी कह रहे हैं कि हम गांव को जो डिजिटल बना देंगे, नाला बना देंगे, नाली बना देंगे, सड़कें बना देंगे, घर घर लाइट आ जाएगी, घर घर पानी हो जाएगा, घर घर गैस पहुंच जाएगी, तो यहाँ कुछ नहीं, कुछ नहीं हो रहा हुआ। गैस दी नहीं, गैस झूठ ना बता, गैस जाए। हाँ तो मिली गैस हमाऊ का, हाँ गैस बन के हमाऊ का, अब पानी पानी हुई जा तो हम यहाँ की हम बिना उठना पानी करके चाहिए जा विकास हमारे देख लिया उठ गया तो गांव के खा रहे हैं तो सरकार का करे? सरकार से आ रहा है, सरकार से तो आई रहा, सरकार से ना आ रहा तो क्यों प्रधान एक एक करोड़ रुपया निकाल ले? सरकार से अगर नहीं आ रहा, सरकार नहीं दे रही तो प्रधान फिर क्यों एक एक करोड़ रुपए निकाल रहे हैं? अब वो यहाँ विकास ना एक करोड़ रुपए निकाल रहे हैं फिर भी गांव में कुछ नहीं हो रहा, विकास नहीं है। आप खुद देख लीजिए यहाँ गांव का हाल हमारे हो रहा है। इस चीज की आप लोग मांग करिए भाई, जब अगर रुपए निकाला जा रहा है तो विकास होना चाहिए। अपन खेती खरीदे थे यहाँ पर, सब अपन विकास कर रहे हैं, खेती खरीद रहे हैं, आप खेती खरीदे थे, विकास नहीं करवा रहे? हाँ विकास नहीं कर कुछ। दादा है और दादा हाथ में बिरवा भी लिए हैं, ये खेत से आए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। सुना है आसपास के क्षेत्र में पत्थर गिर गए हैं कि लोग किसानों की खेती जो है काफी बर्बाद हो गई है, सही बात है? सही बात। और हमें आपके गांव में आने से हमें एक चीज की जानकारी और हुई कि लोग यहां जो पीड़ित हैं जिनके खेत बर्बाद हुए उन लोगों को पैसा भी नहीं मिला? नहीं मिला। और एक जानकारी और हुई कि जिन लोगों के खेत नहीं बर्बाद हुए, जिनका नुकसान नहीं हुआ, उन लोगों को पैसा मिल गया? मिल गया है। सही है, ये बात सही है कि मतलब जहाँ तक उनका हार है वहाँ तक लिवा दिए, कोई अधिकारी आई वहाँ लिवा के जाते नहीं है लेखपाल का, जहाँ ज्यादा नुकसान है वहाँ कोई सुनाई नहीं। जिनका नुकसान हुआ उनकी कोई सुनवाई नहीं है, जिनका नुकसान नहीं हुआ उनका पैसा आ रहा? पैसा आएगा कि आ रहा हो? आ गया। आओ का? ये तो गलत है, कितने लोगों का आ गया, ये तो गलत बात है। आओ नहीं, बहुत बड़ा नुकसान है हार में जाके चल के गाँव के किनारे। कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए, जिन लोगों को नुकसान हुआ उनको मुआवजा आना चाहिए? आना चाहिए। और जिन लोगों को गलत तरीके से दिया गया उनका वापसी होना चाहिए? अब वो को वापसी करी आगे जाकर आगे खाते करी जाओ। मोदी सरकार है और लगातार जो है ईमानदारों की सरकार कहलाती रही है और लगातार कंधे से कंधा मिला के चलने की बात करती रही है सरकार,
किसान हो, बेरोजगार हो, लगातार जो है, आपकी क्या सोच है? सोच का आजिस खिलाठी उसकी भैंस, जिसका पावर उसका काम होता नहीं, नहीं होता। यानी ये गरीबों की सरकार नहीं, पावर वालों की सरकार है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। जो बात आपने कही है, यही बात और भी हमें दो चार लोगों ने जो कही, बोले जिसकी लाठी उसी की भैंस। यानी कि यहाँ पर जो है, जो किसान लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उनकी सुनवाई नहीं, जो सीधा साधा है उसका कोई कहीं भी सुनवाई नहीं। अच्छा, एक चीज और जानने को मिली कि जैसे बताते हैं कि प्रधान, वो क्या कहते हैं, लेखपाल को जो है लोग ले जाते हैं और फर्जी तरीके से अपने खेत का सर्वे करवा के पैसा निकाल रहे, जिनका नुकसान नहीं हुआ। बात सही के हाथ में है ना, वो कुछ तो बताते हैं कि लेखपाल के हाथ में पैसा मिलता है कुछ परसेंटेज पर, लेकिन हम तो सामने तो नहीं वो हुआ, लेकिन सुनते हैं। दादा भी हैं, ये खेत जा रहे हैं बकरी चराने, क्या सही सुना है दादा, जो पैसा आ रहा है और जिन लोगों को आना चाहिए नहीं आ रहा? नहीं आया। और जिन लोगों को नहीं आना चाहिए उन लोगों को आ गया? आ गए, सही बात है। हमने कई लोगों से बातचीत की, खेत में पाथर पड़ गए उसको नहीं आया, और जिसके नहीं पड़े उसको आ गए। भैया भी है, हाँ क्या कह रहे भैया? हम भी यही कहना चाहते हैं कि जिसके खेत में पत्थर गिरा हुआ है उसको पैसा नहीं मिला है, और जिसके पास खेत में नहीं गिरा है उसको पैसा मिल रहा है। ऐसे कितने किसान होंगे जिन लोगों का नुकसान हुआ है और पैसा नहीं मिला? अभी हम करोड़ा डेरा के हैं, हम झंडू का लड़का हूँ, ओम प्रकाश बोल रहा हूँ मैं। हमारे चाचा का देखो, हमारे चाचा को मिल गया वही म्याड़ में, और हमारे पिताजी को नहीं मिला है अभी। अब ये बताइए कि प्रधान मुंह चीन के दे रहे हैं कि ये वर्कर जो लगे हुए हैं, जो बांट वितरण करने वाले, वो मुंह चीन के दे रहे हैं। इसमें तो लेखपाल सर्वे करने आता है। हाँ, लेखपाल हो या कोई भी हो, और घूसखोरी खा के बोल रहे हैं कि हम इतना निकला देंगे, इतना ये कर देंगे, ऐसा सब सिस्टम चल रहा है। कमीशन में सब चल रहा है? सब कमीशन में चल रहा है, मैं सच बोल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, इसमें देखो झूठ बोलने की कोई वो नहीं है, जैसा हमने सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जैसा आदमी कर रहा है वही हम बता रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, हमें जो है कई लोग मिले, जितनी समय हम इस गांव में एंट्री किए थे, काफी बुजुर्गों से बात की, काफी जो है बुजुर्ग माताओं से बातचीत की, उन्होंने भी यही चीज बताया कि जो दादी भी हैं, क्या क्या कह रहे हैं दादी? का तो हम को नहीं मिलो बबुआ। कितना खेत था आपका? हमारा माना 7 बीघा। पूरा खराब हो गया? हाँ, पूरा खराब है। ओला गिर गया? हाँ, पूरा गिर गया। का कारण? एक चटनी हुई गया, नहीं मिलो तो का कारण रह जाए, फिर नहीं देते हैं तो का है। तो आपने लेखपाल को बुला के सर्वे कराया, अपने डॉक्यूमेंट से दिए? हम नहीं बुलाओ बाबू, जब नहीं सुना तक हमारे सुनिए भला। हाँ, क्या कहा था? तो देवी प्रसाद का तो सर्वे करे, वो देवी प्रसाद रह कर थे वहाँ पंचायत भवन में। हाँ, वो अगर तो सर्वे हो गया। हाँ, काटो का पाथर जरूर पड़ गया, का सब बिल्कुल भूसा है। हाँ, प्रधान देखा कैसे? तो प्रधान बोला फोटो खींच लो, तो लेखपाल बोला कागज देना, अब मैं कर दूंगा, बस होता है। दोबारा नहीं कहा आप? हाँ, क्या हुई कैसे, अब मिलता नहीं है? लेखपाल कौन है? लेखपाल कोई कुछ नाम है, बर्मा है। चलिए, जो भी हैं, कहीं ना कहीं उन्हें जो ईमानदारी से ये कार्य करना चाहिए था, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये सभी जो है गाँव के किसान हैं, और किसान का एकमात्र साधन होता है कृषि। शुरुआत से किसान उस खेत पे जो है मेहनत करता है, तमाम जो है अपने घर पे रखी हुई पूंजी जो है उस खेत में लगा देता है, एक उम्मीद रहती है कि कहीं ना कहीं जो है आने वाले जो है कुछ माह बाद में उस खेत से उन्हें जो कुछ लाभ होगा, जिससे उनके परिवार की जीविका चलेगी और जो है पूरे साल के लिए उनके दाना पानी उनके खाने पीने के लिए हो जाएगा। यही एक उम्मीद करके लगातार जो है करते रहते हैं, उसमें पूंजी लगाते रहते हैं, और जो है प्राकृतिक आपदा के चलते उनका काफी अच्छा खासा नुकसान देखने को मिला है। और जब बात मुआवजे की आती है, जब सरकार मुआवजा देने की बात करती है, ऐसे जो है किसानों का दर्द समझने का प्रयास करती है, तो उसी में जो बीच के जो बिचौलियां हैं, जैसा कि इन लोगों का कहना है कि बिचौलियों के माध्यम से ऐसा जो खेला कर दिया जाता है कि जिन लोगों को जो है मुआवजा देना चाहिए उन लोगों को न दे करके, और जिन लोगों की फसल खेत पे खड़ी हुई है उन लोगों को मुआवजा दे दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें जो है जांच होना चाहिए, और ऐसे जो है कर्मचारियों पर, ऐसे जो है लोगों पर कार्रवाई भी होना चाहिए जिन लोगों ने गलत तरीके से ये जो षड्यंत्र रचने का कार्य किया है, और ऐसे किसानों का जो हक मारने का कार्य किया है तो उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं अजय प्रजापति, संगम टीवी, हमीरपुर।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।